वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में अपन करने वाले कोडिंग, जो कि मेरी फेवरेट है। एंड इसी के लिए मैंने कहा था कि ये मेरी जो सीरीज़ है वो सब सीरीज से अलग है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं पाइथन की ट्यूटोरियल। तो मेरे इस ट्यूटोरियल में क्या खास है, जो कि मैंने इंट्रो सेक्शन में बताया था आपको, तो यही खास है। मैं आपको कोडिंग भी कराऊंगा साथ साथ, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको कोर्स डिलीवर कर रहा हूँ, सिर्फ टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ और एट द एंड मैं बोलूँगा कि पाइथन कोर्स मेरी कंप्लीट हो गई है। तो जी नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को कोडिंग भी कराऊंगा और हर टाइप की कोडिंग कराऊंगा, सो दैट आप एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, ठीक है, आप एक अच्छे पाइथन डेवलपर बन जाओ। मेरा इंटेंशन से नॉर्मली मेरे को टॉपिक नहीं कवर करानी है, मेरे को आपको स्ट्रांग बनानी है, ठीक है? अब मैंने MySQL के भी ट्यूटोरियल देख सकते हो, मैंने का बहुत अच्छे से पढ़ाया है, एकदम स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने बताया। आपको कुछ नहीं आता है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप मेरी वो कोर्स कर सकते हो। सिमिलरली पाइथन को भी मैं ऐसे ही कवर करा रहा हूँ, आपको प्रोग्राम के साथ कराऊंगा। यही खासियत है इस कोर्स की, ठीक है? और आपको मैं असाइनमेंट भी दूंगा, आपको असाइनमेंट करना, ठीक है? तो मैं पूरा प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ आपको। ये कोर्स सिर्फ आप मत समझो कि बस टॉपिक कवर कराई जा रही है इस कोर्स में, मैं आपको गाइड करूंगा, मोटिवेट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या पढ़ना है, असाइनमेंट दूंगा। आप अगर मेरे चीज को फॉलो करोगे, जो भी असाइनमेंट मैं देता हूँ, आप अगर उसी दिन कवर कर लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो, तो ऑब्वियसली गाइज आप एक अच्छा डेवलपर बनोगे, ना सिर्फ पाइथन में, आप हर चीज़ में ऐसे ही करा करो, ठीक है? सो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। ओके, सो मैं पाइथन आइडियली ओपन करता हूँ अपना, जिसमें कि अपन कोडिंग कर रहे हैं। कल या परसों से अपन VS कोड पे करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो मैं इसको कर लेता हूँ मैक्सिमाइज और इसका साइज चेक कर लेता हूँ, कितनी बड़ी साइज़ है मेरी टेक्स्ट की, 25। हाँ, दैट्स वुड बी एनफ। ओके, सो नाउ अब मैं क्या करूँगा, एक नया फाइल क्रिएट करूँगा। सो फाइल, न्यू फाइल, एंड मैं अपने फाइल का नाम देता हूँ कमांड एस प्रेस करके, आप कंट्रोल एस प्रेस करना अगर आप विंडोज़ में हो। मैं इसका पाथ चेंज करता हूँ, मेरे को डेस्कटॉप पे रखनी है, और मैं इसका फाइल का नेम देता हूँ एडिशन ऑफ टू वेरिएबल्स varapls.py। फाइन, मैं इसको करता हूँ सेव, मेरी फाइल हो गई है सेव। अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, देखो एडिशन जब भी आप करते हो तो जाहिर सी बात है मिनिमम दो नंबर की आपको ज़रूरत पड़ती है। एक नंबर की आप एडिशन तो कर नहीं सकते हो, राइट? कम से कम आपको दो नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो दो नंबर में मेरे को लिखनी है। तो सबसे पहले मैं कमेंट करूँगा कि डिफाइनिंग टू वेरिएबल्स, और वो दो वेरिएबल्स क्या होंगी, लेट्स से नंबर 1 इक्वल्स टू 10 एंड नंबर 2 इक्वल्स टू 90, ठीक है? अब यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करे होंगे कि मैं यहाँ पे 10 को स्टोर करा रहा हूँ नंबर 1 में, 90 को स्टोर करा रहा हूँ नंबर 2 में। तो यहाँ पे मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यूज़र से वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे हार्ड कोड कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में मैं हार्ड कोड करके बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो मेरी अगेन एडिशन ऑफ टू वेरिएबल्स होगी, बट उस वक्त अपन यूज़र से इनपुट लेंगे, समझ रहे हो बात? यहाँ पे मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, बट हार्ड कोड सही नहीं होता है ना, क्योंकि जब आप एक ऐप बनाओगे या फिर कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो उस वक्त ये चीज़ सही नहीं रहता है, ये रिकमेंड नहीं होता है, क्योंकि यूजर्स, आप अगर यूज़र हो तो आप चाहते हो ना टेस्ट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए आप चाहोगे कि मैं किसी और नंबर को भी टेस्ट करना चाहता हूँ कि वाकई में एडिशन सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो उस केस में आप प्रोग्राम पे थोड़ी आके चेंजेस करोगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग तो डेवलपर करते हैं ना एंड टेस्ट तो यूज़र करते हैं, तो यूज़र को प्रोग्राम से कोई लेना देना रहता है, यूज़र बस UI देखता है और उसमें वो परफॉर्म करता है। तो वो चीज़ अपन यूज़र से वैल्यू लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा, इस वीडियो में हार्ड कोड करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? इसके बाद आप क्या कर सकते हो, देखो दो वेरिएबल हमने डिफाइन किया और उसमें वैल्यू हमने स्टोर करा, अब उसके बाद क्या करेंगे, अपन इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है? मेथड 1, तो मेथड 1 में अपन डायरेक्टली इसको ऐड कर देंगे, ठीक है? नंबर 1 प्लस नंबर 2, ओके, ये है मेथड 1। तो जब मैं इसको सेव करूँगा कमांड एस या फिर कंट्रोल एस विंडोज़ में, एंड मैं इसको रन करूँगा, तो आउटपुट मुझे मिलनी चाहिए 100, लेट्स सी, यस 100। नाउ यहाँ पे मैंने दो इंटीजर को लिया, जरूरी नहीं आप दो इंटीजर को लो, आप चाहो तो फ्लोट प्लस इंटीजर ले सकते हो, या फिर फ्लोट फ्लोट ले सकते हो, मिक्स मैच करके आप ले सकते हो, ठीक है? इसको मैं अगर रन करूँगा, ओके सेव इट एंड रन इट, तो 100.87 मेरी रिजल्ट आ गई एज एक्सपेक्टेड, राइट? तो ये मेथड नंबर 1 थी। डायरेक्टली आप एक वेरिएबल डिफाइन करो, उसमें वैल्यू स्टोर करो, दो वेरिएबल डिफाइन करो, वैल्यू स्टोर करो एंड उसको प्रिंट कर दो, सिंपल। तीन लाइंस में हमारी एडिशन ऑफ टू वेरिएबल्स की प्रोग्राम हमने देख लिख लिया और आउटपुट हमें मिल गई। जावा में आप लिखते तो ये मिनिमम 7-8 लाइन ऑफ कोड होती, ठीक है? क्योंकि जावा में बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है हमें,
एंड सी सी प्लस प्लस में भी पहले हेडर वेडर दो, stdio डॉट h, conio डॉट h, ये सब वगैरह लिखो। यहाँ पे ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सेमी कॉलन भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। पाइथन के सिंटेक्स के बारे में मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बता रखा है, तो आप वो जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। नाउ अब क्या कर सकते हैं, अच्छा कमेंट आपको यहाँ पे भी देना चाहिए, ठीक है। तो प्रिंटिंग द रिजल्ट कुछ भी आप लिखो, प्रिंटिंग द रिजल्ट, ये मेथड एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड मैं आपको बताना चाहूँगा, दूसरा मेथड क्या है। दूसरे मेथड के लिए मैं इसको कर देता हूँ कमेंट पहले। तो कमेंटिंग कैसे करी जाती है उसके ऊपर वीडियो बनाया है प्रीवियस ट्यूटोरियल में, आप जाके वो देख सकते हो। ये थी मेथड वन। मेथड टू कैसे हो सकता है, देखो नंबर तो हम वेरिएबल्स में सेम ही लेता हूँ, बट थोड़ा सा चेंज करूँगा। अब क्या करूँगा, मैं फिर तीसरा वेरिएबल ले लूँगा, ठीक है। तीसरा वेरिएबल लेट से रिजल्ट, और रिजल्ट में मैं स्टोर करूँगा नंबर वन प्लस नंबर टू की वैल्यू। तो देखो नंबर वन की वैल्यू क्या है 10, नंबर टू की वैल्यू क्या है 90.87। तो 10 यहाँ पे आएगी, ठीक है, नंबर वन एंड 90.87 यहाँ पे आएगी, और दोनों की सम कितनी होगी 100.87, और वो जाके कहाँ मैं स्टोर करा रहा हूँ रिजल्ट में। नाउ अब मैं प्रिंट किसको कराऊंगा, प्रिंट कराऊंगा रिजल्ट, ना कि मैं नम वन प्लस नम टू। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैं नम वन प्लस नम टू को ऐड करवा रहा हूँ और उसको रिजल्ट में मैं स्टोर करा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इस बार मैं रिजल्ट प्रिंट कराऊंगा ना। समझ में आया, नम वन एंड नम टू को मैं यहाँ पे ऐड करवा रहा हूँ और उसको थर्ड वेरिएबल रिजल्ट में मैं स्टोर करा रहा हूँ, तो रिजल्ट में मेरी वैल्यू हो जाएगी 100.87, तो इसलिए मैं प्रिंट करवा रहा हूँ रिजल्ट को। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे 100.87 मिलेगी, बट मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ लेट्स से 80, तो अब मुझे आंसर में क्या मिलेगी 90.87, राइट। सो लेट्स चेक इट आउट, यस 90.87। सो गाइस इस तरीके से अपन वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको सब्ट्रैक्ट करनी है तो आप यहाँ पे सिंपली माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। एंड सिमिलरली आपको अगर आपको मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, -70.87। क्यों, क्योंकि नम वन में से मैं माइनस कर रहा हूँ। अगर यही चीज़ अगर मैं नम टू माइनस नम वन करता तो मुझे माइनस में नहीं पॉजिटिव में आंसर आता, ठीक है। तो इसी तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन एंड आप लगा सकते हो डिवीजन, राइट, ये आप कर सकते हो। नाउ एक और चीज़ यहाँ पे आप देख रहे होगे, डायरेक्टली मुझे ये नंबर आउटपुट मिल रहा है नंबर, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कुछ इस तरीके से आए, जैसे एडिशन ऑफ नम वन एंड नम टू इज 90.87, इस तरीके से अगर आपका आउटपुट आए देन आप क्या करोगे, कैसे करोगे। देखो ये जो रिजल्ट है इसके आगे आप डबल कोट्स लगाओ एंड उसमें आप जो भी लिखना चाहते हो, एडिशन ऑफ नम वन एंड नम टू इज कॉलोन या इक्वल टू, आपकी मर्जी, मैं कॉलन अच्छा लगता है मेरे को, मैं कॉलन लगाऊंगा, एक स्पेस दूंगा, देन आप क्या करोगे कॉमा लगाओ एंड रिजल्ट आपका जो भी वैल्यू है, वैल्यू मतलब जो भी चीज़ आपको प्रिंट करानी है। तो अभी रिजल्ट में हमारी वैल्यू है ना, आउटपुट, आउटपुट हमारी रिजल्ट के अंदर स्टोर है 90.87, तो इस चीज़ को मैं प्रिंट करा रहा हूँ, उससे पहले मैं कॉमा लगा रहा हूँ। एंड जो भी कमेंट आपको करनी है, एडिशन ऑफ नंबर वन या सिर्फ डायरेक्ट आप सम इक्वल्स लिख सकते हो, कुछ भी आपकी मर्जी। मैं इसको सेव किया एंड इसको करता हूँ रन और आपको दिखाता हूँ आउटपुट। देखो एडिशन ऑफ नम वन एंड नम टू इज 70.87। मैं एडिशन नहीं कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, सॉरी एडिशन, ठीक है। तो जरूरी नहीं आप यही चीज़ लिखो जो मैंने लिखा है, आप चाहो तो डायरेक्टली आप इसको सम लिख सकते हो, सम इक्वल्स टू, आपकी मर्जी। आप डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपको मन करे आप वो लिखो। तो अभी मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, सम इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ, सम इक्वल टू क्या हो जाएगा 90.87, ठीक है। रन करके आपको दिखाता हूँ, सम इक्वल टू 90.87, ठीक है। तो आपने देखा ये मेथड टू है, तो मेथड वन में डायरेक्टली मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ नम वन प्लस नम टू। आप ये भी मेथड चाहो तो फॉलो कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एक नया वेरिएबल बना के उसको आप प्रिंट कर दो। पर अगर मैं बोलूँगा ज़्यादा अच्छा ये मेथड टू है, एक नया वेरिएबल बनाओ देन उसको प्रिंट कराओ ना। अब एक टास्क मैं आपको देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको आउटपुट में मुझे ये आउटपुट, अभी मैं जब रन कर रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, डायरेक्ट ये सम इक्वल्स टू दिस, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ सम इक्वल्स टू जो भी आपका आउटपुट है वो दिखने से पहले आपको आपको ये शो करवाना है कि नम वन की वैल्यू क्या है, नम टू की वैल्यू क्या है, देन आप सम करवाओ, ठीक है। समझ में आई बात, मुझे चाहिए आउटपुट में इस तरीके से, आपकी आउटपुट इस तरीके से दिखनी चाहिए। वैल्यू ऑफ नम वन इक्वल्स टू 10 आना चाहिए इस केस में, ठीक
सिमिलरली वैल्यू ऑफ नम टू इक्वल्स टू 20 आना चाहिए, नो नॉट 20, जो भी आपकी वैल्यू है वो चीज़ डिस्प्ले होनी चाहिए, एंड उसके बाद दिखना चाहिए सम इक्वल्स टू जो भी आपकी वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 90.87। तो मुझे आउटपुट में ये तीन लाइन डिस्प्ले करानी है, अभी सिर्फ एक लाइन डिस्प्ले हो रही है सम इक्वल्स टू दिस मच, लेकिन मुझे आउटपुट में डिस्प्ले करानी है ये तीन लाइनें। तो आप कैसे करोगे, ये आपकी होमवर्क है, आपकी असाइनमेंट है, ठीक है, एंड ये आपको करनी है गाइज, ठीक है। जब आप करोगे जो भी मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ आप करोगे तो भी तो ही आप सीखोगे गाइज, एंड ना सिर्फ ये एक असाइनमेंट है, आप अपने ये मैंने दिया है, आप खुद से डिवीजन करो, मल्टीप्लीकेशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छा बनोगे कोडिंग में, ठीक है, एंड उतने अच्छे आप पाइथन के डेवलपर बनोगे। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में अगेन एडिशन का ही करवाऊंगा, लेकिन उस वक्त मैं यूज़र से वैल्यू लूंगा, इसमें मैंने हार्ड कोडेड किया है ना, हार्ड कोड किया है, उस वक्त मैं यूज़र से वैल्यू लूंगा, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एडिशन ऑफ टू वेरिएबल, हम कैसे क्या वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, देन फिर एडिशन परफॉर्म करते हैं। नाउ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।